आप सभी को राम राम। आज हम ब्रेड से एक मिठाई बनाएंगे जो कि बहुत ही टेस्टी होती है। चलिए बनाते हैं। इसके लिए हमने जार में लिया है 2 चम्मच बादाम, 2 चम्मच काजू लिए हैं। आपके पास और भी कोई ड्राई फ्रूट्स हो वो भी ले सकते हैं। इसके बाद हमने इसमें 5 हरी इलायची डाली है। चार चम्मच चीनी डाला है इसमें। चम्मच थोड़ा सा छोटा है, आप चाहे तो 3.5 या 3 चम्मच भी ले सकते हैं। 1 चम्मच नारियल का बुरादा डालेंगे और इसको थोड़ा सा हम पीस लेंगे ढक्कन लगाकर बारीक होने तक। ड्राई फ्रूट्स हमारे अच्छे से पीस चुके हैं, चीनी भी पीस गई है। अब हम इसमें डालेंगे 50 ग्राम के करीब ये पनीर है, इसको हमने टुकड़ों में कट कर लिया, इसको भी इसी में डालेंगे। और 2 पिंच इसमें हम फूड कलर डाल देंगे, खाने वाला लिक्विड कलर हो आपके पास तो उसको डाल लीजिए। पनीर को भी इसके साथ अच्छे से मिक्स कर लेंगे, पीस लेंगे। हम इसके छोटे छोटे बॉल बना लेंगे। हथेली पर 1 ड्रॉप घी का लगाएंगे, देसी घी का, और चिकना कर लेंगे हथेली को। फिर हम इसके एक गोले बनाएंगे, छोटे छोटे गोले हम इतने बड़े बनाएंगे कि ब्रेड के अंदर ही अच्छे से भर जाए। इस तरह से हमें गोले तैयार कर लेने हैं। ये ब्रेड है, ब्रेड के किनारों को हम चाकू से काट कर निकाल देंगे और इसका व्हाइट वाला पार्ट ही हम यूज़ करेंगे। एक गहरे बर्तन में लेंगे 2 चम्मच चीनी, इसमें 2-3 चम्मच हम मलाई डाल देंगे दूध की, और इसमें हम डाल देंगे 2 चुटकी इलायची पाउडर और थोड़ा सा दूध, और इसको भी हम चीनी और दूध को अच्छे से मिक्स कर लेंगे, चीनी घुल जाए। फिर हम ब्रेड के टुकड़े को उठाएंगे, उसको दूध में डुबा कर निकाल लेंगे और हथेलियों से दबा दबा कर दूध को निकाल देंगे हल्के हाथों से। इसी के बाद हम ब्रेड के बीच में एक लड्डू रखेंगे जो हमने बनाया था स्टफिंग इसका, और इसको अच्छे से पैक कर देंगे। हम दूसरे ब्रेड को भी करेंगे। ब्रेड को हम फिर से दूध में डुबाएंगे और हथेलियों से उसे दूध उसका सारा निचोड़ देंगे दबाकर, और फिर से उसके अंदर एक बॉल रखेंगे। ऐसे ही हम सारी मिठाई तैयार कर लेंगे। ये देखिए हमने सारे तैयार कर लिए हैं। अब जिसमें हमने जिस दूध में हमने ब्रेड को डिपाया था वो थोड़ा गाढ़ा हो गया था, हम इसको चाहे तो इनके ऊपर डाल सकते हैं 1-1 चम्मच। इसके बाद थोड़े से ड्राई फ्रूट्स ऊपर से डाल देंगे। मिठाई हमारी बनकर तैयार है। अगर आपको ये रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। हमारे चैनल पर आने के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।